हमें किसी ने सिखाया था कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसे कभी फ्री में ना करो। मैं इस चीज़ में पूरा एग्री करता हूँ क्योंकि ये हर जगह लागू होती है। मोबाइल ऐप की इंडस्ट्री इस चीज़ में अलग नहीं है, लेकिन फ्री ऐप का क्या, कैसे कमाती है वो? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आज हम जानेंगे कि कैसे फ्री ऐप्स काम करती हैं बस दो मिनट में। ऐप डेवलपमेंट की इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है और अभी भी बढ़ ही रही है। करोड़ों लोग इस सेक्टर से काम करते हैं और क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उनके घर बार भी इसी से चलती है। पर अगर ऐप ही फ्री हो तो पैसे कैसे आएंगे और घर कैसे चलेगा और कैसे ये इंडस्ट्री अभी भी पनप रही है? हमारे पास इसका आंसर है। अगर हम ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के ऐप को मिला दें तो ज़्यादातर ऐप्स फ्री हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उन पेड ऐप्स से ज़्यादा कमाती हैं। क्यों, चौंक गए ना? इन फ्री ऐप्स के तीन तरीके हैं पैसा कमाने के। नंबर एक, इन ऐप परचेसेस। आप सभी ने शायद ऐसे ऐप देखे होंगे जहाँ पे ऐप तो फ्री है पर पूरा खेलने के लिए या तो आपको पैसे देने होंगे या तो आप आधी ऐप ही यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण है वो गेम्स, जो गेम की चीज़ें खरीदने के लिए आपसे पैसे लेती हैं। पबजी इस चीज़ का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला है एड्स डालना। हालांकि लोग फ्री ऐप्स में ऐड देख के थोड़े से चिढ़ जाते हैं पर ऐप डेवलपर के लिए ये काफ़ी होती है एक मोटी रकम कमाने के लिए। ये लोग आमतौर पे कुछ ऐप की जगह को एड्स के लिए सीमित कर देते हैं जहाँ पे बस एड्स ही एड्स आते हैं और जितने ज़्यादा ऐड लोग देखते हैं उतना ज़्यादा पैसा भी इनको मिलता है। तीसरा और आखिरी तरीका थोड़ा हटके है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐप्स ना ही एड्स डालती हैं ना ही इन ऐप परचेस करवाती हैं, तो ये असल में क्या करती हैं कि उस ऐप की ब्रांड वैल्यू बढ़ाती हैं कुछ समय तक और जैसे ही वो ऐप थोड़ा पॉपुलर हो जाता है उसमें अलग तरीके से पैसे कमाने स्टार्ट कर देती हैं। व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। ऐप डेवलपमेंट की इंडस्ट्री बहुत वास्ट है और लोग उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। तो अपने अगले मज़ेदार वीडियो आने तक अपनी ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड